नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं नंदिनी प्रिया। पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन द्वारा मोतिहारी के मुंशी सिंह महाविद्यालय में पूर्वी चंपारण जिला अधिकारी सरसद कपिल अशोक की अध्यक्षता में जिले के छात्र युवाओं के लिए एक टॉक शो का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं सहित सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया। मौके पर छात्रों के सवालों का जवाब देने के लिए अलग अलग फील्ड से जुड़े अतिथियों को भी आमंत्रित किया गया था। पैनलिस्टों में अनुमंडल पदाधिकारी मोतिहारी सदर सौरभ सुमन यादव, एमएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार, उप सभापति दीप शिखा, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल बीके मिश्रा, एडवोकेट असीम कुमार झा, एमजीसीयूबी की प्रोफेसर श्वेता और एसटीवी न्यूज के प्रधान संपादक अंसारुल हक की मौजूदगी रही। सैकड़ों छात्र युवाओं और उनके दिलचस्प सवालों से यह आयोजन बेहद शानदार और इन्फॉर्मेटिव रहा। कार्यक्रम के दौरान छात्रों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब पैनलिस्टों द्वारा दिया गया और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। देखिए एक शानदार और इन्फॉर्मेटिव कार्यक्रम की कुछ झलकियां। अगर आप चाह रहे हैं तो ये चीज मैं कहूंगा, और कुछ क्वालिटीज है जैसे पेशेंस है, आपको अपने आप को इवैल्यूएट करना है एंड ऑलवेज सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द अदर्स, अदरनेस ऑफ द अदर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम लोग क्या होता है कि अपने ही थॉट्स में ट्रैप होते हैं, नहीं जो मैंने लिखा है वो ठीक सही है, जो मैं कर रहा हूँ वही प्रक्रिया सही है, ये भी आपको इवैल्यूएट करना चाहिए। एक दूसरा एंगल जो है आपके जो इन्विजिलेटर्स किस तरीके से सोचते हैं, जैसे मान लीजिए कि प्रोफेसर अरुण जी ही है, वो अगर पेपर चेक करेंगे तो किस तरीके से चेक करेंगे, ये दूसरे से आप फीडबैक बोलते हैं कि काउंटर आर्गुमेंट्स वगैरह जो है, तो तब आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं लेकिन हमको क्यों कम मार्क्स आए ये कभी उसके ऊपर मंथन नहीं करते हैं, तो ये एक इटरेटिव प्रोसेस जिसको बोलते हैं, रिपीटेटिव प्रोसेस जो है इम्प्रूवमेंट जो है आपको हर बार करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक आइटम में आप नहीं होते, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड पेशेंस आप बहुत आवश्यक है। और ये जो प्रक्रिया है इसको एंजॉय करना चाहिए, बहुत सारे लोग जो है ना इसको बर्डन समझते हैं, प्रक्रिया कम से कम एक साल लगेगा तो उसको एंजॉय करने की आदत भी डाल जानी चाहिए। तो यूपीएससी कोई ऐसी चीज नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, और कोई मतलब कोई भी एग्जाम, नॉट ओनली यूपीएससी, सिविल सर्विसेज की कोई भी एग्जाम जो है उतनी डिफिकल्ट नहीं, बस आपका अप्रोच जो है, आपका कंपोजर जो है, आपका मौजूदा समय में यही प्रॉब्लम है कि लोग मीडिया से सवाल नहीं कर रहे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार आपकी जानिब ये चीज जो है कहा गया कि आप सवाल करें, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ और जो सवाल पूछा गया है उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप इन चीजों को समझ सकते हैं कि मीडिया का की पावर क्या है। आजादी से पहले का दौर जब आप याद करेंगे उस समय अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, खींचो डर कमानो न तलवार निकालो, खींचो डर का मारो न तलवार निकालो, जब तुम तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। आप उस दौर की सोच को इमेजिन कर सकते हैं, उस दौर में जो लोग सोचते थे, जो कहते थे, उन चीजों को आप स्मरण कर सकते हैं कि किस तरह का पावर मीडिया के पास था। देश की आजादी, देश को आजादी दिलाने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। उस समय के तमाम जर्नलिस्ट का बस एक ही मकसद था, देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाना, और वो आखिरकार सफल भी हुए थे। तो जब तोप के मुकाबले मीडिया को कहा गया और फोर्थ पिलर ऑफ द नेशन का खिताब दिया जाता है मीडिया को, तो अगर इस पिलर में कहीं कोई खराबी नजर आती है आपको, तो आप जरूर आपको खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपके घर की बुनियाद कमजोर होगी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज मैं कुछ पत्रकारिता में लेटेस्ट अपडेट देख रहा था, आप सबसे भी मैं ये कहूंगा कि आप एक बार विकिपीडिया पे जाकर के देखिए कि विकिपीडिया में भारतीय पत्रकारिता को लेकर के किस
निराशाजनक है कि परिस्थितियां जो है पहले जैसी नहीं है। तब ये है कि एक मीडिया पर्सन होने के नाते मैं मीडिया की बुराई कर रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगता होगा, लेकिन आदमी वही सच्चा होता है जो अपने भीतर भी झांकने की सलाहियत रखता है। तो हम अपने भीतर भी झांकते हैं, ऐसा नहीं है कि चीजें हर जगह ग्लोबल है। यहां ऐसे लोग भी हैं जो एक नई लकीर खींच रहे हैं और जो मूल कार्य है मीडिया का उस पर काम कर रहे हैं। पहले के और अभी के दौर से कंपेयर किया जा रहा है, मेरे ख्याल से आप सभी समझ गए होंगे कि पहले के दौर में जो जर्नलिस्ट था, जो पत्रकारिता होती थी, वो किस लेवल की होती थी, और आज के दौर में थोड़ा सा जो है चीजें बदली हैं। इसका कुछ एक जो है अलग कॉज भी है, सोशल मीडिया के आ जाने से कुछ चीजें गड़बड़ हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया में घालमेल है, इसको समझने की जरूरत है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में जो डिजिटल मीडिया है उसको लेकर के अभी सरकार का कोई गाइडलाइन नहीं है। जो सोशल मीडिया पे आप तमाम चीजें देखते हैं, जो यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें देखते हैं, उसको लेकर के अभी किसी तरह का कोई गाइडलाइन नहीं है। इसलिए जिसको जो मन में आया, जैसा कांग्रेस प्रोसरा, वो जो है जो वहां पे अवेलेबल है वो देख सकते हैं, लेकिन इस संदर्भ में जो गाइडलाइन है जिसके तहत अगर किसी तरह होती है तो वो साइबर एक्ट के थ्रू होता है, तो वो एक गाइडलाइन है। लेकिन सरकार इस पर जो है अभी विचार कर रही है, अनकरीब हो सकता है कि कुछ इस तरह के गाइडलाइन भी दे दिए जाए, और तब जो है थोड़ा सा परिस्थिति, थोड़ी सी परिस्थितियाँ अलग होगी। लेकिन इस क्षेत्र में, इस फील्ड में अगर कोई करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए इसका पॉजिटिव चीज है कि बेशुमार अवसर है। आप कहीं से भी कभी भी बहुत कुछ शुरू कर सकते हैं। मैं एक तजर्बे की बात बता रहा हूं, आज से 4 साल पहले मैंने एसटीवी न्यूज की शुरुआत की थी। मैंने एसटीवी न्यूज एक केबल नेटवर्क है, न्यूज चैनल है जो नॉर्थ बिहार पे हम रन करते हैं। अभी करीब 45 से 50 लोगों की हमारी टीम है और नॉर्थ बिहार में इसको हम जो है आज की तारीख में एक आप बेहतर समझ सकते हैं कि किस लेवल पे हम लोग जो है पहुंचाए हैं। लगातार इसमें हमारी कोशिशें हो रही है। ये जब मैं शुरू किया था तो उस समय परिस्थितियां मेरे पास बहुत सारी अनुकूल नहीं थी। हम जब शुरू किए तो ये तमाम सिचुएशन को देखते थे, बड़े बड़े पत्रकार यहाँ पे पहले से जो है मौजूद हैं और बहुत तरह की बातें थी। जब मैंने शुरुआत की तो प्रोग्राम बेस्ड ये चैनल था, लेकिन जब धीरे धीरे कारोबार बढ़ते गया फिर न्यूज बुलेटिन आने लगे और शुरुआती दौर में थोड़ी सी परेशानियां आती हैं, लेकिन आप जब लगे रहते हैं, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, तो उसका रिजल्ट भी सामने आता है। पहला बुलेटिन हम लोगों ने जो दिया था वो करीब 3.5 मिनट का था। 3.5 मिनट का वीडियो बनाने में, उस वीडियो को एडिट करने में, उस खबर को प्रसारित करने में हम लोगों को तकरीबन 4 से 5 घंटे लगे थे। 8 बजे से शुरू हुआ था तो ये सफर जो है 2 बजे रात को हम लोग पब्लिश कर पाए थे। उसके पीछे एक सोच थी, हम लोग का 2 मिनट में भी उसको कर सकते थे, 10 मिनट में भी कर सकते थे, लेकिन उसके पीछे हमारी ये सोच थी कि जब कंटेंट बाहर जाएगा, ऑडियंस के पास जाएगा, तो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सर वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम सर। तो वो जो है बस 2 मिनट आपका समय लोगे, मैं समझ रहा हूँ। इस मजबूरिया है, ये किससे थोड़ा सा आपको मोटिवेट कर सकते हैं
पे हम लोगों ने ध्यान दिया कि जो चीजें हम दे रहे हैं, पर हम लोगों ने हमेशा इसी चीज पे फोकस किया। एसटीवी न्यूज को जो भी लोग देखते हैं उसकी क्वालिटी और उसके संदर्भ में ये बाहर से लोग फोन करते हैं कि भाई हम एसटीवी न्यूज से जुड़ना चाहते हैं। मध्य प्रदेश, इंदौर, झारखंड, फिर उनको पता नहीं कि ये सर्टेन एरिया में हम लोग इसको करते हैं। तो एक एग्जाम्पल ये है कि आप चीजों को अगर अच्छे तरीके से पहुंचते हैं, अच्छा कॉन्टेंट देते हैं, तो आपको कामयाबी मिल सकती है। बहुत लंबी चौड़ी से बात की जा सकती है, समय की पाबंदी है, फिर कभी वक्त मिलेगा तो आप सभी से इस संदर्भ में और विशेष बात करूँ। शुक्रिया। प्रिपरेशन जैसे कि सर ने कहा कि आपको सबसे पहला है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों वीज़ा दे रहे हैं। हम लोग बहुत बार अपने माता पिता के दबाव में या इसने किया तो मैं भी कर रहा हूँ, उसके कारण हम लोग इस एग्जाम को देना स्टार्ट करते हैं। तो उसी कारण फिर हम लोग और ये जो प्रक्रिया है, ये प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू मिला के लगभग एक साल चलता है। और आप अगर एक बार में नहीं क्लियर कर पाते किसी भी स्टेज में, अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं, तो पूरी प्रक्रिया वो दोबारा आपको करनी पड़ेगी। तो बहुत स्ट्रेनियस प्रोसेस है। तो इसमें स्वाभाविक है कि कई बार लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो इसमें मोटिवेटेड रहने के लिए सबसे पहला मेरा सुझाव यही होगा, जैसे कि सर ने कहा कि आपको आपका मकसद क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों करना चाह रहे हैं, या आपके अंदर से एक ड्राइव आनी चाहिए कि मुझे ये एग्जाम को क्लियर करना है। ऐसा नहीं है कि यही सबसे अच्छा करियर है या सबको यही करनी चाहिए। बहुत लोग हैं जो बिजनेस करके बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, बहुत लोग एकेडमिक्स में रिसर्च करके बहुत सफल हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको पब्लिक सर्विसेज, सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट है तो निश्चित आप इसमें अटेंड करें, लेकिन वो आपके अंदर से क्लियर होना चाहिए कि मुझे यही करनी है। दूसरी बात यह है कि ये जो प्रिपरेशन है इसको हम लोग अक्सर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। इसको बहुत सिंपल हम लोगों को रखना चाहिए, और सिंपल रखना आसान नहीं है, और हम लोग कई बार कोचिंग और इधर उधर से मिसगाइड हो गए। इसका सिंपल जो मंत्र है कि आप सिलेबस देखिए, बुक लिस्ट डिसाइड कर लीजिए, वही किताब को बार बार पढ़िए, टेस्ट सीरीज दीजिए, और जैसे कि सर ने कहा आप जो सीरीज देते हैं, टेस्ट देते हैं, उसे फीडबैक लीजिए, आंसर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, अपने दोस्त, अपने टीचर, अपने सीनियर, किसी को भी दिखाइए, फीडबैक लीजिए, इम्प्रूव कीजिए। तो अगर आप एक सिंपल ये अप्रोच रखेंगे कि डेली मुझे उठना है, 5 घंटे पढ़ना है, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। भाषा में गिरावट नहीं आ रही, लोगों के स्टैंडर्ड में गिरावट आ गई, और हिंदी को लेकर के इतिहास में पूरे देश में तीसरा स्थान सासाराम के लड़के ने IAS में किया था, 10-20 साल पहले की बात। तो अभी SP साहब हैं अपने यहाँ के, वो फ्रेंच भाषा से उन्होंने IPS निकाला, पहले और अंतिम व्यक्ति। तो कोई विषय अच्छा या बुरा नहीं होता, प्रश्न यह है कि आपको कितनी दक्षता प्राप्त है उस विषय में, आपने कितने ढंग से उसका अध्ययन किया है। तो संस्कृत से भी लोग निकालते हैं, हिंदी से भी निकालते हैं, उर्दू फारसी से भी निकालते हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पढ़ने की एक शैली होती है, वो शैली कृषि की एक कहावत से मैं आप तक प्रोजेक्ट करना चाहता हूं कि जोतिए कम, खेत जोतते हैं, जोतिए कम, जोतने का तात्पर्य पढ़ने से, अध्ययन करने से। तो बहुत ज्यादा माथा पच्ची अध्ययन के लिए मत कीजिए, जोतिए कम, हिंगाइए ज्यादा, जमीन को बराबर करने के लिए फैलाने का अर्थ यह चिंतन से है, पढ़े हुए चीज को चिंतन कीजिए आप कि क्यों ऐसा कहा गया। जोतिए कम, हिंगाइए ज्यादा, और मेल कस के बांधिए, खेत में मेल भी होना चाहिए ताकि जो बारिश का पानी या नहर का पानी आ रहा है वो बह करके बाहर न जाए। तो जोतिए कम, हिंगाइए ज्यादा, और मेल कस के बांधिए, तो उत्तम फसल पाइए, तब आपके अंक अच्छे आएंगे। आप सिलेबस से बाहर आग में तोड़ के अगर अध्ययन करेंगे तो आपको निराशा हाथ करेगी, आपको सिलेबस की चौबंदी के बीच से पढ़ करके रास्ता निकालना है। एक स्कोप है अदर रैंक्स, अदर रैंक्स मतलब
जिसके ओआर होते हैं इसको अदरलैंड बोलते हैं, एनसीओज होते हैं, नॉन कमीशन ऑफिसर्स और जूनियर कमीशन ऑफिसर होते हैं, उनका एंट्री अलग होता था। लेकिन अभी क्या किया गया है, अग्निवीर के माध्यम से सिंगल एंट्री पॉइंट रखा हुआ है। अब जो भी एंट्री होगा आर्म फोर्सेज में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, वो अग्निवीर के माध्यम से उन्होंने एंट्री लेना है। और उसके लिए अलग अलग फोर्सेस के लिए जो कुछ पैमाना है वो अलग अलग रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात ये बताऊंगा कि जिनका हाइट कम है और आर्म फोर्सेज में जाना चाहते हैं, तो मैं अभी देखा था अग्निवीर का नोटिफिकेशन नेवी का, तो उसमें बहुत कम हाइट दिया गया है। बच्चे, छोटे बच्चे खुश हो जाएंगे जो आर्मी जाना चाहते हैं, केवल 157 सेंटीमीटर वाले बच्चे नेवी में जा सकते हैं। नमस्कार सभी को, मैं देख सकती हूँ कि कम से कम 150 छात्र यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है कि हम साइंस से कि आर्ट्स से कि कॉमर्स से, टेक्निकली हम कुछ नहीं लेते हैं, उस उम्र के पड़ाव में हमारे माता पिता जी सब कुछ लेते हैं, वो डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा बच्चा वो तीन मूर्ख वाली जो मूवी है थ्री इडियट्स, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। और एक क्षेत्रीय परंपरा भी होती है सपने देखने की, जो हमारे माता पिता हमारे लिए देखते हैं, बच्चों के लिए देखते हैं, तो उस परिकल्पना में इस क्षेत्र में डॉक्टर, इंजीनियर और सरकारी अफसर, ये तीन चीज़ें बाधित इसी के इर्द गिर्द हमारी जो 20-21-22-25 साल की मेहनत है लग जाती। पर मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी आपके साथ। मैं सोशियोलॉजी की छात्रा थी नहीं, मैंने आप लोगों में से बहुत सारे छात्र जिन्होंने साइंस लिया, वैसे मैंने भी साइंस लिया अपने 11th-12th में, अच्छी छात्रा थी, मैंने भी सपना देखा कि मैं AFMC में डॉक्टर बनूँ, सीट कम थी, नहीं हुआ, बहुत दुख हुआ। तो अब यहाँ देखिए कि डिसीजन मेकिंग कितना इम्पोर्टेंट। पिताजी के दोस्त की एक पुत्री दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में बॉटनी पढ़ रही है, तो मुझे भी मेरे पिताजी ने बोला कि एक जान पहचान के हैं दिल्ली में, सुरक्षित रहोगी तो तुम भी बॉटनी पढ़ लो। अब बॉटनी के 3 साल का ऑनर्स का कार्यक्रम, यहाँ से मेरे हृदय में एक विषाद कि मेरा MBBS में नहीं हुआ। 14-14 घंटा पढ़ने के बावजूद भी अगर 14 घंटे प्रतिदिन की पढ़ाई आपके जीवन को सुधारने के काम नहीं आ रही तो मन क्या होगा, विचलित हो जाएगा, इस पढ़ाई से कोई फायदा नहीं। तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया, दिल्ली विश्वविद्यालय का थिएटर बहुत, मतलब NSD के बराबरी में बहुत अच्छा। लेकिन तीसरे साल तक आते आते मुझे लगा कि नहीं, मेरे गुण तो पढ़ाई लिखाई में ही अच्छे, तो मैंने मानव विज्ञान लिया। तो इस समय पे मैं आप सभी लोगों को कहूँगी कि जिस चीज़ में आप अच्छे हो आप वो कोर्स लो, स्पेशली अपने 11th-12th में, वो साइंस हो, वो कॉमर्स हो या वो आर्ट्स हो। जी, आप सभी का नंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं अभी LLB सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ सर, ग्रेजुएशन मैंने पॉलिटिकल साइंस से किया है। मेरा सवाल सुमन सौरभ यादव सर से है कि सर अभी मैं BSc का प्रिपरेशन कर रहा हूँ और लॉ भी कर रहा हूँ सर, तो क्या मैं कभी कभी दिल करता है BSc की प्रिपरेशन करूँ, कभी कभी दिल करता है कि नहीं BSc में एक साल मेहनत कर दिया तो इसी में लगा रहा हूँ, तो सर इसी डिलेमा में हूँ, आगे क्या करूँ सर? देखिए, आप अगर UPSC अटेंड करना चाहते हैं तो आप जरूर उसको उसकी तैयारी कीजिए प्लानिंग तरीके से, कि मतलब जैसे कि आप इस साल का अभी फाइनल रिजल्ट निकला है तो अगर आप अगले साल देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अभी से तैयारी कीजिए, अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लीजिए और तैयारी कीजिए और बिल्कुल आप क्लियर कर सकते हैं। इसमें आपको कोई दुविधा में रहने की, मेरा जो ओपिनियन है कि अगर आप कुछ अच्छा एक एम्बिशियस आप टारगेट आपने लिया है तो उसको ले लीजिए और उस पर मेहनत करना चालू कर दीजिए। एक उसमें सक्सेस का मतलब, हम लोग बहुत जगह, मैंने भी बहुत जगह पढ़ा है, बहुत लोग बोलते हैं पर हम लोग इसको इम्पाइट नहीं करते हैं कि आपको यकीन होना चाहिए कि आप क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप क्लियर कर सकते हैं
तो आप डेफिनेटली उसको आपका कार्य तो आपको निश्चित तौर पर वॉल्टेड करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मेरा जिस बार मेरा सिलेक्शन हुआ उसके पिछले बार मेरा नहीं हुआ था। मैं इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में था, वहाँ पर मेरा एक जूनियर था, उसका रैंक 22 आया था। तो मैं बहुत डिसहार्टेड था मैं, जब नहीं होता है तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा तुम्हारे जो टेस्ट सीरीज का कॉपी है वो मुझको दिखाओ, मैं देखता हूँ तुम कैसे लिखते हो। फिर मैंने देखा कि उसने जो लिखा है मुझे जो सारा चीज़ आता ही है, और उससे मेरा कॉन्फिडेंस एकदम इतना डबल हो गया कि उसको भी वही चीज़ आता है, वो मेरा इसी सर्विस में जूनियर है, उसका क्लियर हो गया तो मेरा क्यों नहीं हो सकता है। नमस्कार सर, यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा सवाल अरुण सर से है। सर, मेरा नाम शालिनी कुमारी है, मैं PGMC कर रही हूँ, मीडिया अध्ययन विभाग की मैं काम कर रही हूँ, और मैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हूँ। सर, मेरा सवाल है कि जो आने वाली जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें बहुत सारे बच्चे जो 12th करके आए हैं वो सब इंग्लिश से पढ़ाई करके आए हैं CBSE बोर्ड से, और जो बच्चे अभी आ रहे हैं वो नई शिक्षा नीति में सारी चीज़ें हिंदी में की जा रही है, तो उसको कैसे मैनेज करें। देखिए, नई शिक्षा नीति में अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने का ऑप्शन दिया गया है। जो मराठी लोग हो गए वो मराठी भाषा में, भोजपुरी में भी आप तैयारी कर सकते हैं, ब्रजी में आप कर सकते हैं, अगर जो क्षेत्रीय छोटी छोटी भाषाएं उपभाषाएं हैं उसमें भी करने को कहा गया है। और BBC के टॉक को मैं सुन रहा था, उस टॉक में ये फाइंडिंग दे रहे थे बड़े बड़े विद्वान कि जो अपनी भाषा में दक्ष नहीं हो सकता वह किसी अन्य भाषा में दक्ष नहीं हो सकता। तो अपनी भाषा में जो मदर टंग है उसमें दक्षता प्राप्त करना जरूरी है। जब हम रात में सपना देखते हैं तो अपनी भाषा में सपना देखते हैं, दूसरी भाषा में सपना नहीं देखते। तो अपनी भाषा निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे रहिए को सूल। ये 1885 में हिंदी के पुरोधा को जागरण के भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने कहा। तो आप अपनी भाषा में दक्ष होते ही दूसरी भाषा में आप दक्ष हो सकते हैं, और अपनी भाषा में ही बेहतरीन अभिव्यक्ति दे सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी को लेकर के कोई डरने की बात नहीं है, और अंग्रेजी से घृणा करने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए कि विश्व भाषा है अंग्रेजी, और हिंदी साहित्य में बहुत कुछ अंग्रेजी साहित्य से आयातित किया गया है, बहुत सारे पोएट्री फॉर्म आए हैं, तो उससे नफरत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी भाषा को उन्नत करने की जरूरत है। और आने वाले समय में आप किसी भाषा से तैयारी करेंगे सफलता। सबसे पहले मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी जिलाधिकारी और बाकी सारे गेस्ट पैनलिस्ट, सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हैं और मीडिया से जो दोस्त आए हुए हैं सभी को। इसके साथ ही मैं बस 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूँगी। तो मैं शुरू से लेकर एंड तक मनी, पैसा जो हमारा रेमुनरेशन होता है, सैलरी होती है, उसका इम्पोर्टेंस सुन रही हूँ। तो पैसे का इम्पोर्टेंस ना होना, अगर मैं ऐसा बोलूँगी तो आई लुक फेक, वो गलत होगा, क्योंकि पैसा जैसा हमारा सोसाइटी और इकोनॉमी बनी हुई है उसको पैसा ही वेरी इम्पोर्टेंट है। और बचपन तक सुनते भी है अच्छे से पढ़ोगे तो मैं तमाम में पढ़ती हूँ, तो वो नॉर्मल है। पर मेरे हिसाब से जब तक मैंने सुना है कि बच्चे अब ऐसा पैसे ना लेकर जाए यहाँ से कि मनी जो है वो मोटिव होना चाहिए। मनी इज ओनली इंसेंटिव, जैसा कि इकोनॉमिक्स में कहा गया है कि मनी इज नॉट योर अल्टीमेट गोल। पैसा जो है वो आपका अंत नहीं है, वो बस एक इंसेंटिव है जो आपको पुश करता है, जो आपको इंकरेज करता है कि आप कुछ ना कुछ करते रहो। क्योंकि घर में बैठे रहना और एकदम लोप हो जाना विच इज ऑल्सो नॉट राइट। और जब आप ज्ञान अर्जित करते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ज्ञान अर्जित करने के लिए आपको इंसेंटिव चाहिए, बिकॉज आप 24 घंटे बैठे हो किताबें पढ़ते नहीं रह सकते। और ये भी देखा गया है हिस्टोरिकली कि अगर मान लीजिए आपके पास बहुत ज्ञान भी आ गया बट आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पैसा नहीं है खाली कमाने को, तो उससे अराजकता भी फैलती है, वॉल्यूम क्रिएट होता है, स्टेट काम होता है, बहुत कुछ होता है। तो इस रीज़न से ये कहना चाहूँगी कि जो पैसा है वो ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी है, बट वो आपका अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए। इसे मैं दो छोटे एग्जाम्पल देना चाहूँगी, जैसे फॉर इंस्टेंस आपने अभी भी सुना है कि जैसे
अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।